ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी को अमेरिका में काम करने की अनुमति के फैसले पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। श्रोताओं, अमेरिका में एक जिला अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है वहां H-1B वीजा लेकर काम करने वालों के पक्ष में। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जो कर्मी आमंत्रित हुए हैं नौकरी करने के लिए, उनके परिवार के लोग, विशेष रूप से जो जीवन साथी हैं, उन्हें अमेरिका में काम करने की अनुमति जैसे कि पहले मिली हुई थी बराक ओबामा के शासनकाल में, वह बनी रहेगी। यह फैसला किस रूप में प्रासंगिक है, इसके मायने क्या निकल सकते हैं और H-1B जो वीजा है वह किस रूप में वहां भारतीय लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, विस्तृत चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने विशेषज्ञ हर्ष वी पंत जी। पंत सर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो फैसला है उसका, यानी कह लें कि उसका महत्व क्या है और किस रूप में यह कर्मियों के लिए सहायक होगा? देखिए, ये जो मुद्दा है H-1B वीजा का और खासकर जो डिसीजन था कि जो स्पाउसेस हैं H-1B वीजा होल्डर्स, उनके पास एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन नहीं था, वो एक बड़ा पेचीदा मसला बना हुआ था भारतीय समाज, भारतीय मूल के लोगों के लिए, क्योंकि इससे जो एक जो फैमिलीज हुआ करती थी H-1B वीजा होल्डर्स की, जो फॉरेन वर्कर्स जो अमेरिकन कंपनीज के लिए आके काम करते हैं जिसके तहत ये वीजा मिलता है, अगर उनके स्पाउसेस को काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी तो उससे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन फैमिलीज पर हो रहा था और इसका असर हो रहा था जो पूरे अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जो स्पेस है, जो वहां की कंपनीज हैं वो अट्रैक्ट टैलेंट को नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर किसी वीजा होल्डर को ये लगता था कि उसके स्पाउसेस काम नहीं कर पाएंगे तो अगर वो फाइनेंशियली वहां स्ट्रगल करेंगे तो वो जाने से इनकार कर रहे थे। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ये जो डिसीजन है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी जो अमेरिका का टेक सेक्टर है उसको काफी बड़ा रिलीफ मिला है कि अब वो जो टैलेंटेड पूल है इन भारत में उससे वो हायर फिर से कर पाएंगे, जो अभी तक संभव नहीं हो पा रहा था इस कानून के कारण। श्रोताओं, यहां महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारतीय प्रवासियों के लिए, विशेष रूप से अमेरिका में बराक ओबामा के शासनकाल में यह नियम आया था जिसके तहत जीवन कर्मी वहां जिनकी नियुक्ति होती है वो भी, उनको काम की अनुमति मिल गई थी, लेकिन एक संगठन है, वह संगठन इस कानून के विरोध में अदालत में गई और अदालत ने जो वीजा होल्डर हैं उनके पक्ष में फैसले को बनाए रखा है। या वहां का जो संस्था है जिसने याचिका डाली है, हम थोड़ा उसके बारे में समझना चाहेंगे कि सेव जॉब USA करके कोई एक संस्था है जो विशेष रूप से इस कानून का विरोध कर रही थी, उनका आधार क्या था और वो किस रूप में वहां अभियान चला रहे थे भारतीय कर्मियों के, या कह लेंगे पूरे जो H-1B वीजा है उसके उपयोगकर्ताओं के लिए जो इससे लाभान्वित हो रहे थे उनके लिए क्यों विरोध कर रहे थे ये? देखिए, अमेरिका में काफी समय से एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें कि जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो खराब होती नजर आ रही थी और उसके तहत काफी ऐसे ग्रुप्स खड़े हुए जो कि ये मांग कर रहे थे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए उन पर कुछ कंट्रोल्स लगाए जाएं। और ये जो सेफ जॉब्स USA जिसने ये लॉ सूट फाइल करी थी H-1B वीजा के मामले में, इनका भी ये कहना था कि हमको जो जॉब्स हैं अमेरिका में उसको हमको सपोर्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली IT वर्कर्स का है और उनका ये मानना था कि उनके जो जॉब्स हैं वो H-1B वीजा होल्डर्स ले जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बार बार मांग करी कि हम अपने जॉब्स को बचाने के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल्स को बचाने के लिए कुछ प्रावधान ऐसे लाए जाएं जिसके तहत ये थोड़ा मुश्किल हो जाए H-1B वीजा होल्डर्स को यहां लाना। और इसीलिए इन्होंने ये लॉ सूट फाइल करके इस बात को डिस्कोर किया, करने की कोशिश करी कि जो इमिग्रेशन उनके तरफ से ऐसा लग रहा था कि आसान होता जा रहा है, इतना आसान न रहे और जो टेक वर्कर्स बाहर से आ रहे हैं वो थोड़ी दिक्कतें उनको हों जिससे कि इनकी जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर बची रहें। तो ये एक जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हमने अमेरिका में पिछले कुछ सालों में ये डिबेट देखा है
कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक परेशानी बन रही है, वो राजनीतिक उसका कलर भी लिया जब ट्रंप बने थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो जॉब्स हैं अमेरिकन कंपनीज को फर्स्ट प्रायोरिटी अमेरिकन वर्कर्स को देनी चाहिए। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये सेफ जॉब्स यूएसए ने, जो एक आईटी वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये क्लेम किया था कि उनके जो जॉब्स हैं वो H1B वर्कर्स को जा रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज थी, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो या एप्पल हो, इन्होंने इस लॉसूट को अपोज किया था, जिसका निर्णय हुआ है टेक कंपनीज के फेवर में। यहाँ पर सर एक महत्वपूर्ण होता है कि जो भारतीय वहां की आबादी है उस पर क्या कुल मिलाकर लाभ पहुंचने वाला है या क्या असर पड़ सकता है इससे? देखिए, असर तो बहुत बड़ा ये पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल स्ट्रगल भारतीय के लोग फेस कर रहे थे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, और टेक कंपनीज की जो अपनी एक तरह से आप देखिए जो उनकी इकोनॉमिक प्रोफाइल है वो थोड़ी सी कमजोर हुई है पिछले कुछ सालों में, तो उस तरह के इकोनॉमिक इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो पहले हुआ करते थे, टेक कंपनीज दिया करती थी, वो अब नहीं दे पाती है, तो उसके चलते जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है टेक वर्कर्स के ऊपर वो काफी ज्यादा है, और इसीलिए जो H1B वीजा होल्डर्स हैं वो ये मांग कर रहे थे कि सिर्फ एक के एम्प्लॉयमेंट से परिवार को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, और ये जो डिसीजन आया है जिसमें स्टेट जॉब्स यूएसए की लॉसूट को डिसमिस कर दिया गया है, इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा उन सारे परिवारों को जो इस बड़े फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहे थे, और भारतीय मूल के लोग हों या और जो फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन करने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे थे, उनके लिए मुझे लगता है ये काफी महत्वपूर्ण एक निर्णय है। कम से कम हो सकता है इसको चैलेंज किया जाए, पर कम से कम शॉर्ट टर्म में जो एक रिलीफ मिलेगा, जिससे कि जो स्पाउसेस हैं वो भी काम कर पाएंगे, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो देता है, क्योंकि उससे अगर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉरेनर्स के पास नहीं है तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो वापस चले जाएं या फिर वो अपने परिवार से अलग रहें, तो वो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ये एक ऑप्टिमल आउटकम नहीं रहता है। तो अब जब ये डिसीजन आया है तो होपफुली इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जो भारतीय मूल के लोग हैं, और वो परिवार के साथ फाइनेंशियली सस्टेनेबल एनवायरमेंट पे रह पाएंगे। यहाँ पर सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जब इस तरह विदेशों में कोई प्रवास पर काम के लिए जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं अपने जीवन यापन के लिए, विशेष रूप से जो यानी इस वीजा के साथ जुड़े हुए हैं उनके? देखिए, अधिकार H1B वीजा, जब वीजा दिया जाता है तो उसके काफी टाइट रूल्स होते हैं, क्योंकि H1B वीजा जो है काफी की डिमांड बहुत है। अमेरिका की जो टेक कंपनीज हैं वो पिछले कुछ दशकों से इस H1B वीजा का इस्तेमाल करके उनका बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, और जो टेक टैलेंट है वो हिंदुस्तान जैसे देशों से वो लाते हैं, तो के लिए उनको काफी इस वीजा की बहुत डिमांड रहती है। तो क्योंकि इस वीजा की डिमांड रहती है और क्योंकि टेक सेक्टर की अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड्स बहुत रहती हैं जो अमेरिकन नेशनल्स पूरी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो बाहर जाते हैं और इसीलिए वो बाहर से लोगों को लाते हैं। लेकिन उसके साथ क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, इसके चलते बड़े सख्त इंतजाम, सख्त कानून के तहत ये H1B वीजाज दिए जाते हैं। अभी कुछ ही, मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले, एक यूएस सेनेट में एक लेजिस्लेशन आया है जिसमें कि कहा गया है कि H1B वीजा को हमको जो पूरा प्रोसेस है उसमें हमको ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए फॉरेन वर्कर्स के रिक्रूटमेंट में, क्योंकि ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। और H1B वीजा जो है वो तो एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, जो कि जो यूएस की कंपनीज हैं उनको ये इजाजत देता है कि वो फॉरेन वर्कर्स को इम्प्लॉय कर पाए कुछ स्पेशल ऑक्यूपेशंस में। तो उसमें क्योंकि वो स्पेशल ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें कि डोमेस्टिक जो कैपेबिलिटीज हैं, डोमेस्टिक एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो हिंदुस्तान हो या चीन हो वहां से इम्प्लॉयज को लाते हैं। और यहां पर जो है परेशानी का सबब काफी कुछ इस बात पे बन जाता है कि इसमें जो उसके क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हालांकि ये नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, इसमें आप कोई पर्टिकुलर जो वैक्यूम है अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट सेटअप में उसको आप फिल कर रहे हैं, तो ये आपको नेचुरलाइजेशन की तरफ नहीं ले जाता है। बहुत उपयोगी और सार्थक चर्चा रही हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे H1B वीजा धारकों के जीवन साथी को अमेरिका में काम करने की अनुमति के फैसले पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR Official पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।